कहते हैं जितना किसी को माफ़ करना मुश्किल होता है उतना ही उस इंसान को माफ़ करना ज़रूरी बन जाता है, नहीं तो वो इमोशनल पेन हमारे अंदर कुछ इस तरह बस जाती है कि रह रह कर उन सभी एक्सपीरियंसेस की याद दिलाती है। और जब तक हम किसी को माफ़ नहीं करते तब तक उस इमोशनल पेन से मुक्त नहीं हो पाते और हमारे सामने वही एक्सपीरियंसेस आते जाते हैं जो उस पेन को बुरी तरह ट्रिगर कर जाते हैं। लेकिन अगर कोई इंसान एक ही गलती को बार बार दोहराने पर भी आपसे माफ़ी ना मांगे तब क्या उस रिश्ते में बने रहने में समझदारी है क्या अपने लिए खड़े होने में? भाई हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां हमें बचपन से घोट के पिलाया जाता है फॉरगिव एंड फॉरगेट, पर एक चीज जो नहीं सिखाई जाती वो है स्टैंड अप फॉर योर सेल्फ रिस्पेक्ट। आई मीन जो गलती कर रहा होता है उसे इस बात का एहसास कराने की बजाय तो मेरी अच्छी बच्ची है ना, रिमेंबर व्हाट मामा टॉट यू, फॉरगिवनेस इज द की टू लाइफ, ओके। अब ऐसे में वो सहमी हुई बच्ची जब कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस से गुजरती है जहां हर बार उसे खुद में और उन रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़ता है तो वो रिश्तों को मान दे खुद को पीछे छोड़ जाती है और अपने लिए स्टैंड ना लेकर उन रिश्तों में उलझ के रह जाती है। फिर चाहे वो एक बदतमीज बॉस हो या डोमिनेटिंग हस्बैंड, नो आई मीन या डोमिनेटिंग वाइफ भी हो सकती है, पर वो क्या है ना कि ओवर एडजस्टमेंट की शिक्षा यहाँ लड़कियों को बचपन से दी जाती है तो इस शिक्षा के चलते चुप रहना और बर्दाश्त करना अब उस इंसान की फितरत बन जाती है और वो एक विक्टिमाइज मेंटालिटी का शिकार हो जाता है। आप तो जानते हैं ना हमारा माइंड कैसे काम करता है, किसी भी थॉट को अपने बारे में अगर आप बार बार सोचते हैं तो वो सोच आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाती है। जैसे मान लो अगर मैं आपको बोलूं क्लोज योर आइज और 5 सेकंड लो, डिड यू क्लोज योर आइज, परफेक्ट। अब आप कुछ सेकंड लो और ये बताओ मुझे कि आप अपने बारे में क्या गहरी सोच रखते हैं। आप देखेंगे कि आपके आसपास के लोग आपको ठीक उसी तरह ट्रीट करते हैं जिस तरह आप अपने बारे में फील करते हैं, चाहे वो आपके पड़ोसी हो या इन लॉस, ऑफिस में काम करते कोलीग्स हैं या क्लोज फ्रेंड्स, यहाँ तक कि काम वाली बाई भी। सबकी लैंग्वेज आपकी सोच का हूबहू एक रिफ्लेक्शन है। अगर ये रिफ्लेक्शन पॉजिटिव है तो ग्रेट, पर अगर ये रिफ्लेक्शन नेगेटिव है तो आई थिंक इट्स हाई टाइम दैट यू चेंज दिस सेइंग फ्रॉम फॉरगिव एंड फॉरगेट टू लर्न टू फॉरगिव बट डोंट फॉरगेट टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ। हाँ मानती हूं आपके आसपास के लोगों को आपकी बदलती सोच से थोड़ी तकलीफ जरूर होगी, क्योंकि क्या है ना आपको झुकता हुआ देखना उनकी एक आदत बन चुकी है, पर बुरी आदतें तो होती तोड़ने के लिए है ना, क्यों